सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं, जनरली कैपिटल यू। और ये डिफाइन किया गया है टी इंटू ए। टी क्या है, सरफेस टेंशन, और ए क्या है, सरफेस एरिया। तो जैसे कोई वाटर ड्रॉप होगा या मरकरी ड्रॉप होगा, वाटर ड्रॉप या मरकरी ड्रॉप होगा, इसका यदि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे, रेडियस आर है, तो सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन हो गया, दिया गया कोई डाटा होगा टी, इंटू सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² टी। जो सरफेस टेंशन है उसको सरफेस एरिया से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस टेंशन को सरफेस एरिया से यदि मल्टीप्लाई कर दें, बीच में तो हम लोगों को मिल जाएगा टी इंटू 4πr², इससे सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिए, यदि एक मरकरी का ड्रॉप हो, कैपिटल आर रेडियस वाला, मरकरी है तो मेटल लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यदि आप उसके ड्रॉप देखेंगे तो वो स्फेरिकल रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो पॉसिबल एरिया देखेंगे मिनिमम, वो पॉसिबल मिनिमम एरिया होता है किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए। यदि भी वॉल्यूम का आप एक सिलेंडर बनाए, स्फेयर बनाए और कोन बनाए, इन सब में जो मिनिमम सरफेस एरिया आएगा वो स्फेयर के लिए। इसीलिए पानी को आप ऊपर उछालते हो, उनकी छींटे जो बूंदे बनती है वो स्फेरिकल होती है, बारिश की बूंदे होती है वो स्फेरिकल होती है। लिक्विड फॉर्म में यदि कोई छोटा अमाउंट है तो अपना सरफेस कैसा बना लेगा, स्फेरिकल, जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए, मिनिमम, जिससे वो स्टेबल हो। आप यदि इसे हीट करते हैं, हीट करते हैं मतलब वर्क करते हैं, और ये छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है, एन बूंदों में ये बदल जाता है, एन ड्रॉपलेट्स, स्मॉल आर वाले सारे। आप यदि एक बड़े बॉल को हिट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, वो छोटे छोटे भी अलग अलग स्फेरिकल बूंद में बदल गया, तो आपसे पूछा जाता है ये वर्क कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले जो एक स्फेयर था अब एन स्फेयर में बदल गया, तो सरफेस एरिया जो था उसको लेकर के हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, 4πr² इंटू टी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, 4πr² इंटू टी और इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो एक ड्रॉप को आप हिट करके एन छोटे छोटे ड्रॉप्स में यदि बदल देंगे तो जो वर्क करना पड़ा, ये वर्क किसके बराबर हो जाएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का मतलब देखिए, 4πr² टी इंटू एन माइनस 4πR² इंटू टी। अब मुझे बताइए, स्मॉल आर यदि नहीं दिया गया होता तो हम कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट करते, उसके लिए वॉल्यूम कंजर्वेशन की मैं बात करता हूँ। 4/3πr³ जो वॉल्यूम है, और 4/3π स्मॉल r³ इंटू एन जो वॉल्यूम है,
ये दोनों एक जैसे होंगे, तो कैप स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर टू दी पावर कैपिटल आर बाई एन और एन के पावर वन बाई थ्री। स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बाई एन और एन के पावर वन बाई थ्री। अब वो डाटा यदि यहां लाके रख दूं तो ध्यान से देखना, 4πr² t कॉमन हो जाएगा, n अपॉन n के पावर 1 बाई थ्री, तो n के पावर 2 बाई थ्री बचेगा, 1 माइनस 1 बाई थ्री माइनस 1, n के पावर 2 बाई थ्री माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगा वर्क का। वर्क जो होगा वो कितना, तो आप ध्यान से देखिए, कैपिटल R स्मॉल R के बदले क्या लिख देंगे, कैपिटल R अपॉन n टू द पावर 1 बाई थ्री, और उसका आप स्क्वायर करेंगे, और n एक ऊपर में ऑलरेडी है और एक स्मॉल R को कैपिटल R के फॉर्म में लिखेंगे तब भी आएगा, तो ये हो जाएगा n टू द पावर 1 बाई थ्री माइनस 1। ये फॉर्मूला कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये फॉर्मूला कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ये कॉन्सेप्ट की तरह इन्हें सेट कर लीजिए अपने दिमाग पे। और यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है वो वॉल्यूम कंजर्वेशन से, या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता, मास तो नहीं बदला, तो मास कंजर्वेशन से, क्योंकि डेंसिटी सेम होंगे तो डेंसिटी दोनों तरफ लिखेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है, टूटने से पहले का जो मास है, टूटने के बाद छोटे छोटे बॉल का जो टोटल मास है वो बराबर कर दिया, उससे स्मॉल आर का वैल्यू आ गया कैपिटल आर एन के फॉर्म में। आपके ये तो पता चल गया कि सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया सरफेस पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन आप अभी एक जगह कहां मिस कर सकते हो, जब आप देखते हो एक सोप बबल को, यहां है सोप बबल, इस सोप बबल को देखो और इस सोप बबल में हम लोग बात कर रहे हैं कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा जाए, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, तो ध्यान से देखिए, 3 × 4πr² × 2। अब आप टेंशन में आओ कि सर 2 कहां से आ गया, तो ये जब सोप बबल कहोगे तो उसमें कितने सरफेस होंगे, एक आउटर सरफेस होगा और एक इनर सरफेस होगा। आपके मन में विचार आएगा कि सर जब वाटर ड्रॉप या मरकरी ड्रॉप कहते थे तब भी दो सरफेस बोलो, अरे तब कैसे दो बोलूं यार, तब क्या था, भीतर में मरकरी था और बाहर एयर था, सरफेस तो एक ही बना। लेकिन जब सोप बबल की बात करते हैं तो बाहर एयर, यहां पर लिक्विड और यहां फिर से एयर, एक बाहर एयर और लिक्विड के बीच में सरफेस हुआ और एक भीतर एयर और लिक्विड के बीच में सरफेस हुआ, तो दो सरफेस होंगे। तो बबल के जब आप सरफेस एनर्जी की बात करिएगा तो वो T × 4πr² आउटर के लिए और T × 4πr² इनर के लिए टोटल हो जाएगा T × 4πr² × 2। यदि आपने कभी किसी मेले में एक खरीदा हो बबल बनाने वाला जो रहता है इंस्ट्रूमेंट, याद करिए एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के एक सिरे से आप फूंकते हो और सामने यदि सोप फिल्म है, सामने सोप फिल्म है, यहाँ एयर ब्लो करते हो और इससे ये सोप फिल्म जो है ये बबल में बदलता है, याद आया है ऐसा? तो जब यहाँ सोप बबल बनता देखते हो तो अब मुझे बताओ कि इसके सरफेस, ये आर रेडियस का है, इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 4πr² × T × 2। और यदि ऐसा होता कि इसी बबल को फूकते हुए आपने क्या किया, इसके साइज को देखा बड़ा होते,
ये बढ़ते बढ़ते आर से हो गया 2R रेडियस। तो अब आप बताइए यू फाइनल कैसे लिखेंगे, 4π 2R² × T × 2। और आपसे पूछा जाए कि ये फूक कर आर से टू आर करने में कितना वर्क करना पड़ा, ये बबल को फूक कर बड़ा किया आपने, आर रेडियस से 2R रेडियस तक ले गए, तो वर्क क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यूनिशियल। फाइनल कैसे लिखेंगे आप, तो यू फाइनल हम लिख रहे होंगे यू फाइनल माइनस इनिशियल। तो यू फाइनल हमने लिखा 4π 2R² × T × 2, और इनिशियल ही लिखा मैंने 4π R² × T × 2। तो यहाँ है ए, वहां है 32, 32 में से 8 गया तो आ गया 24, 24π R² × T, 24, 32 में से 8, 24π R² × T, ये हो जाएगा वर्क बबल को कितना बड़ा करने में, आर रेडियस से 2R रेडियस करने में। सोचेंगे कैसे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, पिछले वाले स्लाइड को एक बार मैं दिखा रहा हूं कि जब आप सोप बबल की बात करते हैं तो आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस दो सरफेस है, तो इसीलिए जब सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, आप कहोगे कि सर सोप बबल तो बड़ा थिन है, तो मैं कहूंगा हाँ, क्या इतना थिन है कि एक ही मॉलिक्यूल से बना होगा सरफेस लेयर, एक ही थिकनेस, तो थिकनेस इतना है जिसमें कई मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कई मॉलिक्यूल होंगे तब मिला के वो थिकनेस बनेगा। तो बाहर और भीतर वाले जब मॉलिक्यूल अलग हैं तो बाहर और भीतर के जो सरफेस टेंशन से बनने वाला पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी अलग होगा, तो इसीलिए आउटर और इनर दोनों को सम करते हैं। जब यदि मरकरी ड्रॉप होता, मरकरी ड्रॉप होता तो मरकरी ड्रॉप में यदि हम सरफेस देखते तो केवल एक सरफेस होता, ओनली वन सरफेस, ओनली वन सरफेस, मरकरी ड्रॉप में ओनली वन सरफेस। तो उनकी जब पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी लिखते थे तो यू इंटू 2π R², वहां क्या लिखते थे, यदि हमें इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता था तो 4π R² × T, इसमें एक ही सरफेस हुआ करने के कारण 4π R² × T। लेकिन यदि सोप बबल होगा तो एक इनर सरफेस होगा, एक आउटर सरफेस होगा, और हम लोग देखेंगे क्या कि दोनों के पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होंगे, फिर उनको सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। आप यहां देखिए, ये एक यू शेप का वायर लिया, एक बकेट में सरफ घोला, यू शेप के वायर में एक डंडी लगा दी, यहां स्क्वायर जैसा एक फ्रेम दिख रहा है, और इस फ्रेम को वर्टिकली डिप किया एक सोप फिल्म में, और सोप फिल्म में डिप करने पर यहाँ एक फिल्म दिखने लगा, सोप फिल्म पतली झिल्ली सा बनता, वो प्लेटों के लाइनों के वो जो वायर्स के बने हैं उनके बीच में दिखने लगा, क्या दिखने लगा, सोप फिल्म। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करेंगे इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे, तो ध्यान से देखो ना, यदि मैं इसको खींचता हूं, ये झिल्ली जैसा है, मेम्ब्रेन जैसा है, यदि खींचूंगा, जैसे इलास्टिक का एक मेम्ब्रेन हो उसे मैं खींचूं तो वहां मुझे वर्क करना पड़ता है ना, और वर्क करना जो पड़ता है वही किस में बदल जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, याद करो। तो यदि यहाँ ये झिल्ली जैसा एक देख रहे हैं जो फिल्म है, इस सोप फिल्म को देख रहे हैं कि ये किनारे पे टच कर रहा है यहाँ वायर को, फिल्म का मॉलिक्यूल, और जब हम इधर ले जाएंगे एफ एक्सटर्नल, तो इधर रोकने के लिए भी तो फोर्स आ रहा है मॉलिक्यूलों के इंटरेक्शन का, ये जो मॉलिक्यूलों के इंटरेक्शन का फोर्स आ रहा होगा वो कितना लिखेंगे, T × L,
जहां एल इनका लेंथ है, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया, डी इंटू एल। अब मैं यदि स्लोली पुल करता हूं, स्लोली पुल, तो स्लोली पुल करने का मतलब है एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, डी इंटू एल के बराबर। जितना राइट साइड फोर्स लगा रहे हैं उतना ही लेफ्ट साइड फोर्स लगता देख रहे हैं आप, और दोनों बराबर होंगे, एक्सेलरेशन जीरो है। अब मान लो इसको खींचते हुए आगे लेकर चले आए, यदि इसको खींचते हुए आगे लेकर चले आए तो सरफेस का एरिया बढ़ा या नहीं बढ़ा, हमें वर्क कितना करना पड़ा, एक बार इस पे भी जो गौर करो, ये मान लो कह देते हैं डेल्टा एस, तो जो वर्क करना पड़ा तो डेल्टा यू जो होता है, डेल्टा यू को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एस, और एफ एक्सटर्नल कितना है, टी इंटू एल। एफ एक्सटर्नल कितना है तो टी इंटू एल और डेल्टा एस, और ध्यान से देखना तो एल डेल्टा एस को क्या कह देंगे, टी इंटू डेल्टा ए। अरे एल डेल्टा एस एरिया हो गया ना एक्स्ट्रा, लेंथ इंटू वेट एरिया एक्स्ट्रा, ये चेंज इन एरिया कहलाएगा, पहले जितना था उसमें इतना ये ऐड हो गया एक्स्ट्रा एरिया। अब एक पॉइंट और सोचो, रॉड से टच कर रहा है जब ये फिल्म, तो फिल्म का केवल अपर सरफेस टच कर रहा होगा या लोअर सरफेस, तो यहां पर जो फोर्स आएगा ये एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, केवल टी इंटू एल या उसका ट्वाइस, क्योंकि टी इंटू एल ऊपर वाला सरफेस, और उसके पीछे से देखो फिल्म को दूसरी तरफ से देखो तो पीछे वाले सरफेस पे भी तो आया होगा फोर्स, तो जब ये ट्वाइस हो जाएगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस टी एल के मतलब यहां पर आ जाएगा ये जो चेंज इन सरफेस एरिया लिखते हैं इसको ऐसे लिख दें, टी इंटू ये एल इंटू एस डेल्टा ए हो गया, और ऐसा दो एरिया देख रहा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इसको याद कैसे रखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाता है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेंज इन सरफेस एरिया से, तो हमें क्या पता चल जाता है, चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाता है। तो आप यहां से यदि देखें तो जो सरफेस टेंशन का यूनिट आ सकता है वो ऐसे भी देख सकते हैं, डेल्टा यू बाय डेल्टा ए जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट हो सकता है, जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट हो सकता है, जूल पर मीटर स्क्वायर, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, जूल और पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, डेल्टा ए नेट के लिए। तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा गया, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। यहां तक आने के बाद एक बार और पीछे वाला पेज आप चाहे तो देख लें, सरफेस टेंशन, क्या ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ गया है, ये एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एस, ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो गया, टी इंटू एल, नहीं टी इंटू एल प्लस टी इंटू एल, एक ऊपर सरफेस एक नीचे सरफेस, ट्वाइस टी इंटू एल, और इसको डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट वर्क डन हो गया, जो एक्सटर्नल फोर्स ने खींचने में किया वही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। ध्यान से देखिए, आपके सामने बहुत से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के या मरकरी के, ऐसे कितने ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसे एन ड्रॉपलेट्स हैं, सबके रेडियस है आर,
और ये कंबाइंड हो गए और अब ये बड़ा ड्रॉपलेट्स बन गया। तो आपको बताना है कि ये पानी यदि थीटा टेम्परेचर पे था, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये पूरा का पूरा, ये नया वाला जो बनेगा वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे पहुंच जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर क्यों बढ़ जाएगा, सोचो, ये जो लिखेंगे लॉस इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर थ्रू डेल्टा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या देखा कि ये एन मॉलिक्यूल्स थे स्मॉल आर रेडियस वाले, इनको कंबाइन किया, तो कंबाइन किया तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फाइनल सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, शुरू में ज्यादा था तो लॉस हुआ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी में। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये जो क्यू होगा एनर्जी लॉस, ये किसके बराबर लिख देंगे आप, ये लिख देंगे एम एस डेल्टा थीटा के बराबर, जहां एस क्या होता है स्पेसिफिक हीट। अलग चैप्टर से ये मिक्स हो गया कंसेप्ट कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट लेते हो वन डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के, वन ग्राम के लिए जो एनर्जी होता है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हो। तो एम मास के डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए जो एनर्जी होगा वो एम एस डेल्टा थीटा होगा। एस क्या है, वन ग्राम के वन डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। लोहे के वन ग्राम के वन डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, चाहे लोहे का कप हो, चाहे लोहे का प्लेट हो, चाहे लोहे का बॉल हो, कोई भी है, उसके वन डिग्री के वन ग्राम बढ़ाने के वन डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कि जैसा एनर्जी लगेगा उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, और ये जो लॉस होगा वो जो कहाँ गया होगा एनर्जी, भाग गया होगा, वो हीट को टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज हुआ। ऐसा क्वेश्चन में यदि कहा जाए तो मान लेना हीट एनवायरमेंट में नहीं गया, सारा उसको बढ़ाने में यूज हुआ। तो हम यू इनिशियल कैसे लिखेंगे, 4πr² इंटू टी इंटू एन, क्योंकि ये ड्रॉप है, यदि ये ड्रॉप है तो इनमें सरफेस एरिया एक ही लेंगे, 4πr² अब फाइनल कितना लिखेंगे, 4πR² इंटू टी, और ये किसके बराबर लिख देंगे, 4/3πR³ रो ब्लॉक, मास हो गया, स्पेसिफिक हीट एस हो गया, और डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा निकल के चला आएगा इस एक्सप्रेशन से कि टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा। सरफेस एनर्जी, फिर से एक बार मैं बताऊं, मॉलिक्यूल जो लिक्विड के भीतर हमें दिख रहे हैं, कोई भी यदि आप चुनते हैं, तो उसके अगल बगल वाले डायमीटर के रेंज के जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं, वो सारे उसे फोर्स लगाएंगे, तो चारों तरफ लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन जो सरफेस के थोड़े नीचे है उनपे भी चारों तरफ फोर्स लग रहे होंगे, उनपे भी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जो सरफेस पर बैठा है उस पे वो सारा फोर्स किधर लग रहा होगा, उस पे सारा फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं उन पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो आप इस ब्लैक वाले मॉलिक्यूलों को यदि देखते हैं कि वो ऊपर वाले ब्लैक वन से ब्लैक टू वाले लाइन में गए, नीचे से ऊपर गया मॉलिक्यूल, तो नीचे से ऊपर कब जाए, हमें कोई वर्क करना पड़ेगा उस फोर्स के अगेंस्ट, और वो कहाँ किस में जमा हो जाएगा, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखना हो तो क्या करना है, हमें सरफेस टेंशन और सरफेस एरिया के बारे में सोचना है, उनका प्रोडक्ट देगा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। और स्टेबल कंडीशन में वो कैसे रहना पसंद करता है, स्टेबल कंडीशन में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो उस तरह रहना पसंद करता है। अच्छा देखना, मरकरी का गोला बनाते हैं, मरकरी का गोला बनाते हैं, स्फेरिकल रहेगा, तो कितना बड़ा स्फेरिकल पॉसिबल है, और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा बड़ा,
तो मरकरी का जब ऐसे आप गोला बनाने लगेंगे, बढ़ाता जाएंगे साइज, तो एक समय ऐसा आएगा कि गोला स्फेरिकल रहने के बजाय कैसे रहना पसंद करेगा, ये अंडे के शेप का। और उसके पीछे कारण क्या होगा, ध्यान से देखो, यदि वो स्फेरिकल रहता तो हाइट ज्यादा होती, सेंटर ऑफ मास ज्यादा ऊपर होता। यदि सेंटर ऑफ मास ऊपर होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती। तो हम क्या करते हैं, यदि उन्हें दबा दे, बॉल को दबा देंगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, शेप ओवल हो गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, लेकिन सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ गया। स्फीयर का सबसे फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए कम होता है सरफेस एरिया। तो यदि ओवल शेप हो गया तो वो जो एलिप्सॉइड वाला शेप हो गया, एलिप्स को रोटेट करके एलिप्सॉइड बनाया, तो एलिप्सॉइड वाला जब शेप हो गया, अंडे जैसा शेप हो गया सरफेस का, तो सरफेस एरिया तो बढ़ा, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ी, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिस केस में मिनिमम रहेगा, वैसे शेप में बना रहना चाहेगा ऑब्जेक्ट। तो जब हम मरकरी का देखेंगे तो जब बड़ा गोला बनेगा तो वो स्फेरिकल नहीं होगा, वो कैसा दिखने लगेगा, ओवल शेप का दिखने लगेगा, एलिप्सॉइड के जैसे। एलिप्स को रोटेट कर दो किसी एक्सिस के वो एलिप्सॉइड जैसे। क्या मैं मान के चलूं कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानकारी आपको मिल गई, सरफेस एरिया।